मुझे लिख के दे सकते हैं महीने की गारंटी नहीं दे सकता यार पचास हमारी बैटिंग फिलॉसफी और मियाँ खलीफा की वीडियो फिलोसफी सेम है टेक ए डीप तो अस्सलाम वालेकुम लोगों ने बड़ी शिकायत की उन्होंने बोला डेढ़ साल हो गया है सिंस आपने किसी कमेडियन को बुलाया है मुझे खुद नहीं पता था क्योंकि मैं पॉलिटिशियन को बुलाता हूँ मैंने बोला एक ही बात हो गई <laughs> इसी घटिया जोक के साथ एक्टर मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट क्रिकेट पर आजकल शोज कर रहे हैं स्टैंड अप कमीडियन पूछेंगे इनसे क्यों इनको ताबिश ने शो से निकाल दिया <laughs> <laughs> उस्मान मजर हमारे साथ हैं हेलो 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 पहला सवाल क्यों ताबिश ने आपको बोला निकल मेरे शो से

यार जो भी पावर में आता है उसका एक एजेंडा ही होता है मतलब जर, जरा सा भी इनको थूक लग जाए वो खून लग जाए ना मुंह को बस mm. फिर उनका एजेंडा है भाई और दैट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट आप yeah, कहीं पे भी कहीं में भी देख ले बट uh, uh, हाँ वो जरूर होता है क्या भाई यार इनको हम क्या समझते थे क्या निकले बट स्टिल गेट टू नो समेरी नाइस पीपल फॉर एग्जाम्पल रोमान रईस जिसके साथ हम प्रोग्राम mm. कर रहे हैं अमेजिंग है प्लेन सिंपल कोई शूशानी कोई अपनी बातें नहीं टू दीलिस एंड मतलब एस्टोनिशिंगली गुड प्रिडिक्शन एक्यूरेट तरीन अभी इंडिया के मैच भी करा है दो सौ चार पाँच तक तो कर लेगी दो सौ पाँच का टारगेट इतना एक्यूरेट कौन करता है यार किस प्लेयर को कब तब आ रहा है? जिन रखे हुआ जिन मैंने कहा आपके मौके ले भाई इस तरह मुझे जावेद भाई ने इम्प्रेस किया था जावेद मिया ने एक दिन मैं चल रहा हूँ

मैं जब निकल रहा होता था ना मैं इंश्योर करता था जावेद भाई गाड़ी पीछे लगूं कि अगर पुलिस रोके भी <laughs> इसका समधी को साब, साब आ गया जानता है इसका समधी को <laughs> तो हाँ ये भी एक थोड़ा पॉजिटिव साइड भी अभी है। हम हमारे इस पे शो पे आए थे सलीम जावेद साहब लेजेंडरी सिंगर आये आये हट तेरी मैं गावा जुगनी <laughs> तो वो आए थे वो भी इनका किस्सा बता रहे कहते मेरी बेटी की शादी है मैं लेट हो गया हूँ ये रिसेप्शन पे खड़े हैं कह कि जय तू मैं कब से चला वेट कर रहा हूँ जल्दी आजा अच्छा हुआ शादी के बाद नहीं पहले खड़े हो गए कहा तो मैं बीवी नहीं बेटी एक ना नींद क्रिकेट <laughs> हाँ <आ>, शाजा करते हैं <laughs> अबे बेटा उन्होंने भेज दिया ना समदी को गॉड मैं और पता है का पता अरे अरे नहीं भाई मेरी भाई लेजेंड आदमी है आपको क्यों लगता है फिर इतने आपने आ, क्रिकेट आ, शोज किए पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद है उस्मान मजर यार बहुत सारे फैक्टर तो हैं आज का शो वायरल करते हैं अच्छा घंटे का है घंटे का के ये यार उसके एपिसोड में दरक पीछे इसका पौधा लग रहा है भी तब क्या हाँ। क्या कर रहा है हाँ हवा दिल लग रही पत्तों पे यार इफी भाई यार इफी भाई क्रॉस एपिसोड करना चाहिए हमें <laughs> यार बार... क्रिकेट में बहुत सारे मसले मसाइल हैं बोर्ड के दस हज़ार मसले कल भी डिस्कशन यही हो रहा था कि चलो ठीक है प्लेयर्स औकात से बाहर हो जाते हैं ऑबियसली देर इज नो काउंसलिंग बंदा बहुत कम होते हैं जो एक अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से

यू नो द एनालिसिस के हसन अली कैट वॉक कर रहे है। ये देखे अवका अबे अभी भाई तो कैट वॉक ना क्यों ना करे हाँ। क्यों ना करे गोली हर ऐड करता है हर शो करता है मतलब अनुष्का के साथ डांस टिकटॉक्स बना रहा होता है अगर लेट्स हमारा बाबर आजम अजमर बाबर आजम की तो नहीं है कोई अनुष्का बट बाबर आजम हानिया आमिर के साथ अगर वो टिकटॉक बना दे हाँ। जो अनुष्का के साथ था माँ बहन कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल ऑडियंस का भी फ़र्क है हमारी ऑडियंस वी हैव मोर कीबोर्ड वॉरियर्स इन इंडिया आई फील दे दे एक जो होता है ना कि कुछ भी हो जाए है अपना तो वो कुछ करेगा और हरकत फिर शायद हम उसकी मार दें लेकिन uh, दूसरी को सॉरी मैं काट रहा हूँ बट आपको कोहली की इतनी नहीं मारी जा रही जितनी उसकी परफॉर्मेंस रही है में Because उसने उसका बॉडी ऑफ वर्क तो देखे ना यार पीछे पंद्रह साल से जो दिए जा रहा हैं उनको परफॉर्मेंस तो लॉर्ड विस्परिंग के कोहली को शायद टी ट्वेंटी में नहीं होना चाहिए सुनील गवास्कर ने सजेस्ट किया फिर हार्षा भोगले ने स्ट्राइक रेट की बात की बिफोर दी आई पी एल स्टार्टेड उसको बोला गया था

कोलाज को फिजी ड्रिंक्स इनसे नहीं करेगा जमा केसरी तो नहीं करेगा हाँ जमा अच्छे अच्छे की कितनी मारी है यार अक्षय कसम बकवास बहुत की थी बकवास कभी नहीं करूंगा, करूंगा। हाँ। ये नहीं करूंगा और फिर और फिर वही जमा केसरी अजीब <laughs> जाफरान एक दूसरे पे फेंक रहे हैं बट कभी कभी होता है ना कि वो ब्रांड और

को भाई बात यही हो रही थी कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको नहीं होता कोई गाइड करने के लिए समझाने mm -hmm. के लिए कि भाई दिस इज़ द वे टू तो गो अबाउट इट हर कोई अपनी दुकान चमकाने पे लगा है जगह की इनसिक्योरिटी है yeah. कि हम एक दफ़ा निकल गए तो कैसे हमारा खानदान चलेगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है नहीं इंडिया में अब प्लेयर को ये टेंशन नहीं कि मैं इंडियन टीम में आ रहा नहीं आ रहा हूँ वो रणजी ट्रॉफ़ी खेल रहा है वो आई खेल रहा है कर्नाटक का प्रीमियर लीग लुक्स बेटर देन पी तो देर इज़ द डिफरेंस मैं मुझे कल मुझे लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को इतना गुस्सा क्यों है यू वॉच फुटबॉल या या इंग्लैंड जो है ना इंग्लैंड hmm. की फुटबॉल टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेम है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम इट्स द सेम प्रॉब्लम राइटम की फुटबॉल टीम right? का क्या प्रॉब्लम है कि इतना प्रेशर आता है कि आपने तो जीतना ही जीतना है कि वो गोल मारते हैं ना hmm. उसके बाद वो लो ब्लॉक में चले जाते हैं देर जस्ट लाइक इसको डिफेंड कर लो गैरेट साउथ गेट जो है उनका बाबर आजम है तो ये सारे प्लेयर फिल फोर्डन जूड yes. बेलिंगम ठीक है फिल फोर्डन प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर hmm. जूड बेलिंगम आ, yes. लालीगा लालीगा प्लेयर ऑफ़ द ईयर सारे जो है ना वो अपने हैरिकेन बुंडेसलीगा बुंडेसलीगा गालियां मत दो <laughs> <laughs> तो, <laughs> प्लेयर ऑफ द ईयर बट वो इंग्लैंड के लिए जब खेलते हैं उनकी इतनी फटी भी होती है द नेशंस एक्सपेक्टेशंस आर सच बी वो अगर वन ने जीत भी जाए ना उनकी फैंस उनकी मां बहन करते थे कि आपने तो जीतना ही टेन निल है उसी तरह ये जो एक एंटाइटमेंट है ना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की सात वर्ल्ड कप सात सीरीज आप किसी में फेवरेट नहीं थे हम फाइनल तुक्के में पहुंच गए ठीक है

हम अगर पहुंच जाते यूएसए को हरा के हमने सेमीफाइनल में आना था नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।, नहीं। देखिए इस पिछले एक साल में जितना सर्कस चला है उसमें तो ये होना था इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम हमें हम न्यूजीलैंड से भी जलील हुए थे, थे एक सीरीज में <laughs> न्यूजीलैंड अभी हमने सॉरी हमें आपको काट ट्विटर पर किसी ने बड़े भरम मारे थे ना कि हाँ ये न्यूजीलैंड प्लेयर देखा आईपीएल uh, खेल रहे थे तो हार गए hmm. तो फिर किसी न्यूजीलैंड क्रिकेटर बट ऑब्वियसली हाँ <laughs> <laughs> तो uh, हम एक इमोशनल कॉम है सम हाउ एवरी विल क्लिक और ये हो जाएगा बट नाउ वी आर बियॉन्ड दैट दिस स्पोर्ट इवॉल्व सो मच

अगर वो डक पे आउट नहीं <laughs> अगर वो उसको गलत दिया था उसको जूते मारो जाके। यार हाँ आए ये जो लोग कहते हैं ना कि यार उस टाइम भी जीत गए इस टाइम भी जीत गए उस टाइम आप जीत सकते थे अब जो प्लान दिए जाते हैं ना अब जितनी स्टडी की जाती है उस टाइम आपका बॉलर हर टीम के लिए नया था हाँ। क्योंकि उन्होंने नहीं देखा हुआ होता था राइट तो वो एक अच्छे खासे पाँच छः साल निकाल लेता था जब तक हर टीम शहीद अजमल को देखे अभी आपके पास मिस्ट्री बॉलर है अबरार उसको मिस्ट्री रखा है बट वो वो मिस्ट्री तू बैठा रहे खबरदार बाहर नहीं निकल मिस्ट्री है वो <laughs> 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 अबे मिस्ट्री <स्टेविया> <laughs> <laughs> मेरा घंटे का बट अबरार हाँ। की पीएसएल में भी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है यार ही वाज इन अ वेरी बैड टीम कोयटा में था कोयटा वाज नॉट रियली दैट बैलेंस्ड बट अगेन कंपेयर टू व्हाट वी हैव बेहतर है। उस्मान, आपकी टीम कॉम्पोजिशन है कि आपने आमिर का कम करवा दिया ठीक है तो अब वो ड्रॉप तो नहीं हो सकता हारिस ड्रॉप नहीं हो सकता नसीम ड्रॉप नहीं हो सकता शाइन ड्रॉप नहीं हो सकता अब आपके फोर अनड्रॉपेबल मेन स्ट्रीम बॉलर, बॉलर। आप अगर अबरार खिला दो तो फिर तो हमारे 100 सौ खैर अभी भी नहीं बने Hmm. But फिर तो आपके पांच बैट्समैन रह जाते हैं पीछे, so you can't play five थोड़ा सा सब खैर सबके आखिरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए hmm. बन गया था बट आई डन के आमिर जमाल should have been there. आमिर जमाल की क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिस पे वो होता यार गाय योर बेस्ट बट विद्रेसिव अप्रोच इन अ टेस्ट मैच इन बट देन वी केम टू दी एस एल पी एस एल मेंसिब खेला पी एस एल इतना बुरानी खेला एक दो मैच में उसने ऑलमोस्ट जिता भी दिया था पॉइंट इज फास्ट बॉलिंग ऑल राउंडर एक यूटिलिटी होता है तो उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको प्लेइंग एलेवन में रखते आप उसको स्क्वाड में रखते थ्रू आउट दी सीरीज जो न्यूजीलैंड के साथ थी इंग्लैंड के साथ थी तो क्या पता बिकॉज ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर वो जब बड़ी ओकेजन आती है वो चला है अभी तक जितना उसको छोड़ा बहुत ट्राई किया है उससे आपकी टीम को एक बैलेंस मिल जाता हारिस रऊफ को आपने अगेन वही जो आपने 2022 में शाइन के साथ किया था वो आप इस दवा हारिस के साथ कर रहे थे कि जल्दी से फिट हो जा दादा बस आ जा आके कर ले नो री हैव नथिंग तो इस तरह से आपको एक मार्जिन मिल जाता क्या अबरार को रखने के लिए चलो एक मैच इसको बिठा दिया वॉट वाट इज़ साउथ अफ्रीका डूइंग दिस वर्ल्ड कप पिछले मैच में

तो है, है। और सा ही है। और को भी आपने बहुत, so उसको आपने बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया आ, एक साल डेढ़ साल और देते उसको बिकॉज उसको आपने एकदम से इतना सड़ पर चढ़ा दिया आई एम अ फैन ऑफ साइम अमेजिंग बैट्समैन बट केम टू सून टू द बिग पिक्चर आप क्या, या तो आप

साइम इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट रोटेशन में चल जाता बट फॉर अ वर्ल्ड कप यू हैव फाइव ओपनर्स इन द बैटिंग है देखो पाकिस्तान का मेरे नज़र में hmm. प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया जो है ना वो पहले छः ओवर एक्सप्लोइट करती है स्पेशली इन पिचेस पर अब अगेन इनको ये पहले पता होना चाहिए था राइट मुझे तो देखकर ही समझ में आया है न्यू बॉल पे फिर भी स्कोर हो रहा था ओल्ड बॉल पे नहीं हो रहा था इसमें आप अफगानिस्तान की एग्जांपल देखें दे आर प्लेइंग व्हाट वी टू डू दे आर नॉट अटैकिंग इन द फर्स्ट सिक्स ओवर्स दे जस्ट क्रिएटिंग अ सॉलिड बेस तीन उनकी सौ की पार्टनरशिप्स हुई लास्ट मैच में दे स्ट्रगल्ड थ्रू आउट द इनिंग्स स्टिल दे मैच टू गेट हंड्रेड एंड एंड डिफेंडेड बिकॉज पिच ऐसी थी देखो पिच ऐसी हो आप कर लो. Mm -hmm. अफगान के जो अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है वो दुनिया भर में आई वो बाबर रजवान वाला रोल नहीं प्ले करते करतेदरान पजाई देर ऑल योर मॉडर्न टी ट्वेंटी बैट्समैन अफगानिस्तान की पूरी टीम अगर आप देखें लें एक टाइम पे तो ग्यारह अफरीदी कहते थे उनको के बट वैसे ही वो मॉडर्न टी ट्वेंटी प्लेयर्स हैं राशिद खान नवीन हक फजल हक फारूकी दीज आर ऑल कवेटेड कवेड रहमान इवन नूर अहमद पी एस एल में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है दीज आर ऑल हाईली कवर्टेड प्लेयर्स टी ट्वेंटी के दुनिया भर की लीग्स में जिनको एक्सपोजर मिल रहा है हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोई और नहीं चाहता अपनी टी ट्वेंटी वैंकूवर नाइट्स के लिए बेचारे खेल रहे होते हैं हाँ वैसे बाबर को द हंड्रेड पे भी किसी ने नहीं लिया बट अगेन दिस वॉज सम थे देखें आपकी टीम में बहुत सारे इशूज़ थे ओपनिंग पार्टनरशिप आपको मिल रही थी ओपनिंग पेयर आपका चल रहा था ठीक है स्ट्राइक रेट कम था आई एग्री दिस शुड हैव बीन अ मोर अटैकिंग ओपनिंग स्टैंड बट दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज वर्किंग इन द बैटिंग मिडिल ऑर्डर आपका नहीं चल रहा था दो तीन सालों से तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मिडल ऑर्डर यू ब्रॉट इन मोर ओपनर्स इन द स्कॉट कौन किसको लाए मडल ऑर्डर में आ, नाम बताओ ना आजम खान को लाए बट देखो या तो आप बोलो कि हमारा जो पी है हुँ. वो कचरा है आपके पी के दो बेस्ट परफॉर्मर थे उस्मान खान आजम खान जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो गए पी एस एल के बेसिस पे आप नहीं कर सकते बेसिस पे करें आपके पे अपने जो नेशनल टी हैं डोमेस्टिक सर्किट है यू हैव टू एक्सट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम देयर बहुत सारे प्लेयर्स हैव लेफ्ट और आर प्लानिंग टू मोहम्मद हारिस इज नाउ

अली खान ने कॉर्ड बिहाइंड में आकर बोला कि यार हमने शुरू में देखा इंटेंट ही नहीं दिखा रहे तो plans, एक आपका ऐसा बैट्समैन है जो दूसरे के प्लान बदल देता है पोटेंशियल पे तो नहीं पिक कर सकते ना हारिस की परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी रही पिछले पीएसएल में यार पीएसएल की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पीएसएल में उस अम, उसको काफी थोड़ा बहुत पोजीशन भी उसकी चेंज की थी कभी ओपन कभी वन डाउन टू डाउन मोर ऑफन वन डाउन खेला है तो उसको एक पोजीशन है हाँ बट सी अगेन हम पीएसएल की बेसिस पे नहीं स्क्वाड बना सकते अगर आपका डोमेस्टिक इतना बुरा है नहीं है मतलब है होता है वो पीएसएल से ऊपर की परफॉर्मेंस जो आपके थ्रू आउट ईयर खेल रहा है खिलाड़ी और जो एक प्लेयर सिर्फ पी खेल के आ रहा है तो उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो बंदा पूरा साल अपनी मरा रहा है hmm. उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है टिल ही ब्रेक उसके लिए तो अगर बट <laughs> <laughs> कामरान गुलाम एक प्लेयर है आई एम नॉट बिन इन द पाकिस्तान टीम बट ही शुड बिन इन पार्ट ऑफ योर थर्टी

बट इवन हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं ठीक hmm. है अभी मुझसे आई थिंक अरम आर्ग्यू कर रहा था कि टीम में कम होनी चाहिए टैलेंट हमारे पास कम है ना टीम hmm. में बढ़नी चाहिए जिस तरह इज गुड ऑफ स्पिन भी कराते इतनी अच्छी नहीं कराता बेहतर हो जाएगा उसको इतना चांस नहीं मिला तैयब नहीं किया ना पीएसएल में परफॉर्म द पॉइंट इज कि आपका प्रीमियर प्रोडक्ट पीएसएल है अगर कोई बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उस्मान उसमें प्रेशर कम होता है उसमें मीडिया नहीं होता अब उस्मान खान है ऐसा लाइक मच्योर बैट्समैन लग रहा था पी में कि टीम भी कैरी टेक्निक था जीरो टेक्निक वो इंटरनेशनल में एक्सपोज हो जाएगी देखो पी में आई -पी में कोई भी इस तरह की लीग में आपके बॉलिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा थोड़े कम होते हैं बॉलिंग स्टैंडर्ड्स नहीं इतने हाई होते और उसकी वजह से जब वो आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो ज़रा सी भी फॉल्टी टेक्निक होती है वो एक्सपोज हो जाती है

तो देर वही बात है यार कि यारो मैनी नहीं, नहीं अब्दुल्ला शफीक तो इज़ योर ऑल प्लेयर उसका ऑस्ट्रेलिया में जो बेसिकली कॉन्फिडेंस खराब हुआ था उसको हमने मजीद तबाह कर दिया ऑस्ट्रेलिया में जो स्लिप में दो तीन कैचेस छूटे थे उस बेचारे के और आप उसको फिर भी स्लिप में रख रहे हो तो मुझे यही लगता है कि हम बस डरते रहते हैं आई थिंक इफ्ती ने भी बहुत बुरी फील्डिंग की स्लिप नेचुरल फील्डर नहीं है बट आई थिंक द रीज़न इफ्ती वॉज इन स्लिप्स इफ्ती yes. आपका वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स है जिसके हैं हाँ. कि ठीक है तीन छक्के मारने तो जा कोशिश कर ठीक है क्रूशल ओवर कराना है पावर प्ले में कराना है शादाब नहीं लेगा इफ्ती लेगा ले तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ले लेता है बाकी सब डरते रहते हैं तो और इसीलिए मुझे नहीं लगता किसी और को स्लिप में खड़ा होना था और उसमें है। है, उस <laughs> <कितनी उमारे>, चाचा <laughs> चाचा आपसे मुझसे चार पांच साल छोटे मतलब ठीक है चाचा और अहमद शहजाद सात वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे बाबर ने कब डेब्यू किया दो हजार सोलह में पंद्रह सोलह उस स्क्वाड में इफ्ती भाई भी थे हाँ अब ये आठ साल पुरानी बात है बिल्कुल बिल्कुल तो उनके स्लिप में रिफ्लेक्सेस तेज चाहिए होता है आपको और अब उनकी एज हो गई है उसीलिए उनको बुमरा की फुल टॉस पे भी वो नहीं मार पा रहे थे बिकॉज द एज इज शोइंग बंदे की सबसे पहले रिफ्लेक्सेस ही अफेक्ट होते हैं ना जो थोड़ा बहुत डेविड वार्नर में भी अब दिख रहा है डेविड वार्नर आप देखें पहले से वो चक्के यूँ निकाल लूँ शॉर्ट यूँ निकाल लूँ वो बट तो तो, <laughs> तो उस आप पूरी वो इनिंग्स देखो ही बॉल लेट दिख रहा है तो वो बॉल आने दे रहा है और फिर शॉट मार रहा है वरना पहले वो आगे बढ़ के थोड़ा एक अटैकिंग स्टाइल में उस तरह से खेलता था तो इ, अब इफ्ती का जो स्टाइल है वो खड़े खड़े लॉन्ग स्विंग्स हैं उसके लिए यू नीड टू रीड द लेंथ फर्स्ट

उसमें आसिफ अली से बेहतर आपको कोई परफॉर्मर नहीं मिल सकता था आसिफ अली मेरे ख्याल से दुनिया में एक दफ़ा उसकी कोई सेकेंड या थर्ड बेस्ट एवरेज थी सिक्सेस पर बॉल सक्सेसफुल हर नौ बॉल में वो बंदा आपको एक छक्का मार के देता था फेल हो रहा है फिर ज़ाहरी बात है फेल होगा उसको आप रोल क्या देते हैं कि तू सिर्फ आखिरी चार ओवर में आएगा भले हमारी छः विकटे गिर जाएँ पहले दस ओवर में तू नहीं खेलेगा खेलेगा तू नहीं खेलेगा ना उसको स्ट्राइक रोटेशन पे कभी मेहनत करवाई ना उसको ग्राउंड शॉट्स पे मेहनत करवाई कि भाई अब सिक्स इसकी क्लीन है तो hmm. बस यही है वी नेवर थिंक बियॉन्ड वॉट द प्लेयर कैन डू कि यार ये, इसका ये काम तो अच्छा है बट आई थिंक ये भी शायद ये निकाल सकता है अब शादाब इन एज अ बॉलर नाउ इज़ वर्किंग एज अ बैट्समैन ठीक है और उस चक्कर में अब वो ना इधर करा है ना उधर कर कराए बिल्कुल hmm, ठीक है तो आप ट्रांस क्रिकेटर <laughs> दोनों चीजें ऑलराउंडर मेरा मतलब सॉरी गलत ठीक है डबल सवाल। <laughs> बट हाँ तो बट हाँ यार शादाब जो है वो एक्सेप्शनल टैलेंट था बट उसको yeah. बैटिंग की जहाँ वो लत लगी यू कैन सी ही वोंट मैं लिख के बता सकता हूँ कि ये नेट्स पे 10 ओवर से 10 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ 5 ओवर से ज़्यादा नहीं कराता होगा बिकॉज उसको बैट्समैन बनना है

जो सबसे क्रूशल रोल होता है क्यों क्योंकि उसने आपको पी एस एल में परफॉर्म करके दे दिया था भाई यार मतलब अगर तो आपको कोई लोअर ऑर्डर में बैटिंग दे सकता है उसको रादर देन दैन अ प्लस आप बोल रहे हो अब इस पर हम रिलाई करेंगे अब वो सोचो पैट कमिंस को नंबर फोर पर ले आए कि यार पी एस एल में बड़ी फिफ्टी है अच्छा मैं कहता हूँ आपने चलो उसको अगर बोल आपका विजन है कि यार इसको नंबर फोर पर खिलाना है फिर आप उसको टेस्ट मैच में भी नंबर फोर पर खिलाओ ताकि उसकी टेक्निक पक्की हो उसको फिर इनिंग संभालनी आए वो टेस्ट नहीं खेल रहे हैं वो वनडे भी हार्डली खेल रहे हैं और वो सीधा आ रहे हैं टी में नंबर चार पे जो कि वो रोल है जिसको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है hmm. को हो रहा है संभाल लिया अटैक करना है अटैक कर दिया भागने है बाउंड्रीज नहीं आ रहे तो भाग लें भागने में अच्छा है बट hmm. बट उसकी वो अवेयरनेस नहीं है मैंने यहाँ गैप में लेना यहाँ गैप में लेना और हर इनिंग्स में यू आर नेवर लाइक शादाब कर लेगा यू नेवर लाइक दैट इट्स लाइक कर लें तो अच्छा हो जाएगा आई थिंक वही मसला है कि हम जो हर प्लेयर के पास होना चाहिए ना अटैकिंग इंटेंट अब ऑस्ट्रेलिया है ठीक है बाहर हो गया और बड़ा वो लोग ट्रोल हो रहे हैं जबकि उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता मिच मार्स ने कैप्टनसी की उन्होंने उनके लिए ये डू और डाई नहीं था उन्होंने बोला ठीक है चीज़ें ट्राई कर लो वार्नर हेड स्टोनस मार्श मैक्सवेल मैक्सवेल सारे प्लेयर्स मैक्सवेल पाकिस्तान में दो सीरीज के बाद बाहर होता और कभी मैक्सवेल जैसे प्लेयर का पाकिस्तान में कभी करियर हो ही नहीं सकता बिकॉज़ वी आर लाइक अटैकिंग खेलो कंसिस्टेंट अबे दोनों चीजें तुझे कैसे मिलेंगी इफ एनीथिंग टिम डेविड जो है ना वो वो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है वो उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड रखा हुआ है कि जिस दिन टिम डेविड चलेगा उस दिन ही हमें अकेला जिता कर देगा तो उन्होंने वो 1 इन 5 रखा हुआ है क्या कार्ड रखती है हर टीम के पास एक ऐसा बंदा होता है जो कुछ भी कभी भी कर सकता है और बाकी प्लेयर्स इतने स्किलफुल हैं कि अगर वो नहीं भी चला तो आर कवर्ड एक बोनस है वो इसमें आप आ, हमारे लिए एक टाइम पर आफरी दी था लाइक सॉर्ट ऑफ वी इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट Uh, back in the 90s when Afridi was there, but we didn't even handle Afridi that well, if I remember. बर सही तो किया और क्या करते Afridi के साथ सर आफरीदी से जितनी परफॉर्मेंस निकाल ली hmm. इससे ज्यादा नहीं था उसमें कुछ जो उसका स्टार्ट ऑफ इस करियर था आई opener. जो बाद में उसको नंबर सात फिर छः फिर पाँच फिर ये जब करना शुरू किया वजाहतुल्ला वास्ती को उसकी जगह खिलाया जा रहा है इट्स अब्सर्ड लोग मुझे कहते हैं ना तू बाबर की पीआर के लिए काम करता है बाबर को डिफेंड करता है भाई मैंने वास्ती को देखा हुआ <laughs> मैं बड़ा वा हुआ हूँ वास्ती को देखता हुआ तो मेरे लिए तो बाबर आजम सूर्य कुमार यादव है ना भाई सही बात ने वास्ती को बैटिंग करते हुए देखा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भी सेमी वास्ती ने न्यूजीलैंड के खिलाफ माशाल्लाह अनवर <laughs> ने रन किए थे वास्ती ने एक एंड संभाला हुआ था तो हाँ मेरे लिए तो भाई बाबर आजम आफरीदी है इमरान नजीर है यू नो आई मीन उस वक्त जो आपके पास बाकी आगे पीछे प्लेयर थे सलीम अलई की नहीं जगह बनती थी उस टीम में तो आप अगेन यूड लाइक यार इससे मैंने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली है बट मैं इससे ये भी एक्सट्रैक्ट कर मैं इससे ये भी निकलवा दूँ ये सब कर ले तो, नहीं मुझे जो एक फ़ायदा लगता है आफरीदी के डाउन ऑर्डर आने का आई थिंक मेंटली सबको समझ में आ गया था एटलीस्ट अवाम को क्या आफरीदी बैट्समैन नहीं है आफरीदी आपका बॉलर है जो आपको एंड में कुछ दे देगा तो वो प्रेशर कम हो गया था पहले ये तो ओपनिंग में फेल हो रहा है उसका काम ही ये है कि जाओ मारो फेल हो गए तो फेल हो गए दैट्स फाइन आई डोंट नो वाट इमरान नजीरज एवरेज बट आई एम श्योर इट्स नॉट ग्रेट बट अब आप आज भी अगर कोई इमरान नजीर जैसा बैट्समैन आ जाए बोले खुदा के वास्ते तो टीम में आ जा रह जा हमारे यहाँ तो दैट एक्सपेक्टेशन दैट वी हैड फ्रॉम आफरीदी कि अब ये हमारा सईद अनवर सनत जयसूरिया इस लेवल का ओपनर होगा वो नहीं है सईद तो आस्किंग आस्किंग टू मच फ्रॉम हिम। हमने तो उसको यही बनाया था ना कि भाई तू तो हर मैच में आप कंसिस्टेंटली भी खेलेगा शॉट्स नहीं खेलेगा अगर तो एक पूरी मुल्क की फिलोसफी होती कि हम आफरीदी को भेजते हैं five, fine, लेकिन उस ना अगर आप इनके वो शारजा कप्स और वो टूर्नामेंट देखो तो ही कि वो शुरू में रोक रहा होता था उसकी कई शारज़ा की इनिंग्स हैं जहाँ उसके सत्रह रन हैं पच्चीस बॉलों पर तीस बॉलों पर एंड धनी एक्सप्लोर्ड्स

टिम डेविड भी तो लो वैल्यू विकेट है ना कि भाई तू चलेगा तु चलेगा तो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा टिम डेविड इसलिए लो वैल्यू है उसके आगे पीछे बहुत सारे इसी लेवल के बैट्समैन एट दैट टाइम पांच मैचेस में से एक चलेगा लेकिन जिसमें चलेगा मैच जिता देगा बिल्कुल तो वो ऑपोजिशन को पता है कि हम ना हो वो वाला मैच हाँ, हाँ हमारे खिलाफ हाँ, हाँ, ना हुआ बट आप एक्सपेक्ट करें कि आफ़्रीदी आपको पांच में से तीन मैच जिताएगा ये स्टूपिडिटी है हाँ तो अगर तो एक नेशनल उसकी रोल सबको समझ में आता है कि भाई आप इसको वाइल्ड कार्ड तो तो का तुक्का खिला रहे हो आप ये ना समझो ना फिर अभी आपको कवर ड्राइव भी मार के दे अभी आपको लंबी इनिंग्स भी बनाकर दे या अब रैश शॉट भी ना खेले उस That was never अच्छा हमने सिर्फ आफरीदी के, के साथ भी किया उसको you have Salim Malik. ये पूरा इतना आपके पास मिडिल ऑर्डर है उसमें आपने कहा रज़ाक तू चला जा क्यों मैं इसकी वजह आपको पता है क्योंकि आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये वही बजे तरह इरफान पठान अगर ग्रास हटा दो आपने प्रोटेक्ट करना है इनको तो आपका ये था कि हमारे मेन बैट्समैन है इनको हमने प्रोटेक्ट करना है नाइनटी में इमरान खान ने भी ये किया

बॉलिंग में हम शेर हैं, बैटिंग में हमेशा हमारी फटी रहती है कि बस यार विकटे ना गिर जाएं, डिफेंड कर लो एंड तक ले जाओ पचा, हमारी बैटिंग फिलॉसफी और मियाँ खलीफा की वीडियो फिलॉसफी सेम है टेक इट डीप <laughs> जो हो जाए जो हो जाए क्या, तो क्या टे, टेक है टेक अबे क्यों टेक इट डीप <laughs> क्यों टेक डीप भाई इट डीप रियक्टिव कॉम है इतना हम प्रोएक्टिव हम हम नहीं हमारे साथ कुछ हो जाएगा फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे कभी कबारियक्शन बड़ा अच्छा आ जाएगा और उससे हम मुसीबत से निकल आएंगे बट वी आर नीवर प्रोएक्टिव वी डोंट लाइक टू टेक द इनिशिएटिव कि नहीं हम वील टेल हाउ थिंगस वील गो हम बताएंगे कैसे करना है या हम इसको गाइड करेंगे हम इसको लेके चलेंगे इनिंग्स को वी वॉन्ट टू प्ले दिस सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट्स नेवर बिन द केस बीच में छोटे छोटे में हमें कहीं नज़र आया बट दैट्स नेवर लॉन्ग टर्म अप्रोच इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि हमारी कॉम में हमारे मीडिया में फ़खर जमान कैसे एग्जिस्ट करता है मैं मुझे मिला ना मैं इसके जरूरत हाथ चूम लूँगा क्योंकि फ़खर जमान दुनिया भर में नॉनसेंस हो रही हो hmm. दुनिया भर में गालियाँ चल रही हों ग्रुपिंग्स हो रही हो फ़खर जमान जाएगा फ़खर जमान की तरह खेलेगा फ़खर जमान की तरह आ जाएगा वो बंदा लेजेंड है यार इसकी इसका ब्रेन इसका स्टडी करना चाहिए फखर जमान वो बच्चा है जिसको क्लास पार्टिसिपेशन की वजह से हर कोर्स में रख लिया जाता है कि उसकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है कोई उसको स्टार बनने की जरूरत मतलब उसको वो नहीं है चाह नहीं है फील्डिंग में वो अपनी पूरी जान मार रहा होता है इधर से उधर गिर पड़ रहा है सब चीज़ें कर रहा है बैटिंग में he he tries his best. He always gives ज बेस्ट he is your best option. he is your best option. t20 आपकी मॉडर्न t20 और खेल कौन रहा है आपकी में के अलावा? आप के लिए मतलब उस उसको जब भी वो आउट होता है उसको एक अफसोस दिख रहा होता है कि यार यार मैं कुछ कर सकता तो जो वो एक matches है ही नॉट टेक्निकली coordination इज अमेजिंग बट ही इज लिमिटेड

बट उन्होंने बड़ा अच्छा हफीज़ को बोला कि हफीज़ आजकल जाकर बोल रहे हैं कि फ़िटनेस के ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ये होना चाहिए फिर आप आजम खान को टीम में वापस लेकर कर आए जब आप टीम में थे आपने बोला मोहम्मद आमिर टीम में होंगे तो मैं नहीं खेलूंगा फिर आप जब टीम डायरेक्टर बने आप कह रहे हैं मैंने मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया कि वापस टीम में आ जाओ तो खुद जब हों तो सारे रूल्स ना हों फिर जब आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो योर लाइक ये रूल नहीं फॉलो हुआ ये नहीं हुआ तो आपने टीम डायरेक्टर क्यों नहीं किया था तो इसी तरह हफीज़ ने एक दफ़ा बोला था

और मुझे एक ये भी चीज़ जो बहुत अनोय करती है वो ये है कि हम हर वक्त ताक में होते हैं कि यार ये इसने उस वक्त कहा था अब इसने ये कह दिया पीपल कैन चेंज देअर ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है हाँ हफीज़ हाँ, की फिलोसफी से नहीं अग्री करता सलमान बट्ट ने सही चीज़ पॉइंट हाँ, आउट की uh, वो तो है बट हम इसी में रह गए हैं पीछे कि उसने अच्छा अब इसने ये बोला अब इसको इस पर घेर लो उस उस पर घेर लो

ठीक है उसमें भी अगेन सलमान भट्ट बड़ा अच्छा सलमान भट्ट बातें बाते सही कर रहे हैं उसने अभी बोला कि यार जिन लोगों ने पैसा नहीं कमाया है शायद उनको ये लगता होगा बाबर आजम की जो गाड़ी है बाबर आजम ऐसी आठ गाड़ियाँ ले सकता है क्योंकि उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है फिर दो लीग हैं फिर पी का कॉन्ट्रैक्ट है फिर, है, फिर, है, फिर वो पेप्सीप्सी में डेटा भी तो बहुत है बेचारा बाबर आजम ने यूफोन का देखा है डेटा बहुत है

उसमें कोई उमर अकमल हाँ, बॉलों पे पच्चीस उमर अकमल की ग्रुप स्टेजेज में कोई 98 है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपका टॉप स्कोर उस टूर्नामेंट का लेकिन सलमान बट था रियली यस बिकॉज उसमें आपका पहला इंग्लैंड से था जो आप बड़ा क्लोज इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में इन दोनों से हुआ था दोनों से हम हारे थे बट किसी एक से हम बहुत क्लोज हारे थे और ही उज बी ओनली वन कैरिंग द बैट तो ओपनिंग में ये हर मैच में चल रहा था

जैकेट भी पहन लिया आज तक सारे रोल प्ले कर गया वो और वो सब कर अभी दो साल में क्या कुछ कर गया वो माशाल्लाह स्पोर्ट्स माशाला। मिनिस्टर बन गए भाई पता नहीं चीफ सिलेक्टर भी बन गए खबर कहाँ गई कि वो मज़र मजीद का जैकेट जो पहना था क्यों ठंड लग रही थी वहाज को वो खेल भी गया मैच भी खेल गया अच्छा आपकी टीम की सबसे ज़्यादा जलालत जब हो रही होती ना तो आप उस वक्त बोर्ड को देख लिया करेंगे क्या चल रहा है बोर्ड में जब आपका बोर्ड अनस्टेबल होगा ये सब होगा नहीं तो बोर्ड हमारा स्टेबल कब रहा है शरियार खान के टाइम नजम सिटी के टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल था रमीज़ राजा के शुरू के टाइम में थोड़ा सा स्टेबल था शुरू के छः आठ महीने साल ले लिया या आई थिंक दैट डोमेस्टिक वाला जो है हाँ आई थिंक वॉज वेरी फुलिश राइट अगेन हम ये प्रो सलमान बट ने आज हमें लिफाफा भेजा है <laughs> बट उसने भी बड़ी <laughs> अच्छी बात उसने बड़ी अच्छी बात की उसने बोला भाई मैं इमरान खान हमारे लीडर हैं सब कुछ hmm. हैं बट हर बात नहीं हमें एग्री करनी चाहिए yes. तो उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ किया hmm. वो बर्बाद कर दिया उस, उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आपने और वो स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर हुआ है तीन दफ़ा पिछले दो साल में तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी नेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस होगी जब नीचे ये चल रहा है इतनी अनसर्टिनटी है इन प्लेयर्स के साथ भी दिन के दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार आए दिन बोर्ड चेंज हो रहा है अब ये कर लो अब यू कर लो वो कर लो स्क्रू ऑल दैट हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं एड्स कर लो कैंपेन्स कर लो भाई पता नहीं कल को हमें भी बैठे बैठा निकाल दिया जाए क्या करें हम तो आपने वो इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी ठूस ठूस के डाल दी अपने प्लेयर्स के अंदर जो ऑलरेडी पहले से थी थोड़ी बहुत या नो नो आई एग्री वन हंड्रेड परसेंट के जो ये अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं अब भाई ये एक नेशनल वो है ना कि सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी साल के रिटायर्ड लोग क्यों बैठे हुए हैं अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं ना आप ये जो लोग कहते हैं आप अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं मीडिया में जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं कोशिश तो कर ले कोई आने की कोशिश तो कर ले कोई इनके कोई अगर अच्छा भी शो करना शुरू कर देना ये उसकी विद इन द चैनल अगला पिछला खोल देते हैं कि ऐसा ना हो कि इनके इनका शो इनके हाथ से निकल जाए पाकिस्तान के क्रिकेट जर्नलिज्म में पिछले 20 साल से जो हैं लोग वही आज भी लोग हैं तो आप किस मुँह से कह रहे हैं कि अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, वो उनकी भी गलती नहीं नैशनल नैशनल है नेशनल मैंटेल नेशनल मैंटेलिटी है इकॉनमी के हालात हैं हर जगह है सर ये ड्रामा इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री में आप देख लो आप मैंने टीचिंग में देखा है यार बताया उस टीचर मैंने तब देखा ये कि सत्तर सत्तर साल लोग हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं बट दे आर मेकिंग श्योर कि कोई यंग टीचर नहीं ऊपर आ जाए

सिक्योर ना करें आप करें बट आप उसके बाद क्या कर रहे हैं वाट आर यू डूइंग आप मजीद अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं आप एक और वॉल अपने आगे लगा रहे हैं फिर आप एक और वॉल अपने आगे लगा रहे हैं बजाय इसके कि यार मैं ये इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ इसको भी थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ लाइक जाते जाते कुछ दे जाऊँ बट इट्स देखो दैट जो आइडिया है जो फिलासफी है दैट सीप्स एंड डू एवरी राइट अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं और आपको पता है यार मैंने बस अपनी नौकरी बचानी है कल को अगर स्कूल में कोई सेक्सुअल हरासमेंट केस होता है आप दूसरी तरफ देख लेंगे आप बोलेंगे यार मैं क्यों पढ़ूँ मैं क्यों इस पर आवाज उठाऊ मैं क्यों स्कूल में कुछ करूँ तो उसी तरह आप अगर मुल्क में आपको पता है कुछ गलत हो रहा है मैं क्यों प्रोटेस्ट करूँ आप नहीं लड़ो किसी और की जंग नहीं लड़ो नहीं ठीक है तो वो वही आइडिया है ना कि यार कोई पागल का बच्चा है कि अगर रिजवान है वो बोले अच्छा ठीक है अब मैं पहली बॉल से छक्के मारना शुरू करूंगा अगर तो रिजवान सात मैचेस में फेल हो जाता है आप उसको ड्रॉप कर देंगे आप भूल जाएंगे कि अच्छा रस बंदे ने परफॉर्म किया है कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है तो वो इसीलिए मैं फ़खर जमान को क्रेडिट देता हूँ कि सब के बावजूद वो आदमी खेलता है जिस तरह वो खेलता है फौजी आदमी है नहीं मैं वो इस तरह से था एग्जाम्पल देता हूँ आपको रोमांटिक से आई थी नेटफ्लिक्स पे यश चोपड़ा और बहुत अच्छी बहुत अच्छी बनाई थी उसमें इतना सिंपल सा था कि भाई बाप है वो फिल्में बनाता आ रहा है उसका बेटा आया उसने भी फिल्म बनाना शुरू छोड़ी सरप्राइजिंगली वो व्यू उतना ही अच्छा और मे भी ज़्यादा अच्छा निकला बेटे ने बाप ने देखा कि भाई डी डी एल इतनी हो हिट हो गई सतना कुछ हो गया बेटा तुझे क्या चाहिए अबू मुझे स्टूडियो बनाना पहली चीज क्यों बस इससे हमारे एक सिक्योर भी हो जाएंगे hmm. बाप की क्या फिलासफी थी यार बेटे ने स्टूडियो मांगे बनाना है लेकिन मुझे ये क्यों करना है नॉट बिकॉज बेटे ने बोला बट बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक टू द इंडस्ट्री दैट्स हाउ लेगेसी इज मेड यश चोपड़ा इज नॉट देयर एनी मोर ही डाइड ये ट्वेल्व ईयर्स अगो बट यश राज फिल्म इज द बिगेस्ट एंटिटी इन बॉलीवुड एंड इट विल स्टे देयर फॉर अनदर हंड्रेड ईयर्स बट बट यू रिमेंबर रोमांटिक्स में कितना बड़ा वो स्टूडियो रिस्क था

ऐसे मुल्क में जब आपको जेनअन नहीं पता कि अगले तीन महीने में ऊपर नीचे दुनिया ना बदल जाए अभी जो नया बजट आया है दिस फ्रेंड ऑफ वर्किंग ऑन समथिंग विदाउट रिवीलिंग क्या उसका वन परसेंट टैक्स था ठीक है वो उसको इंसेंटिव दिया हुआ था एक्सपोर्ट के लिए इस बजट में फोर्टी फाइव कर दिया अब वो मुझे बोल रहा है कि मैं करूँ क्या अब वो यही करेगा कि वो पाकिस्तान से बिजनेस बाहर ले जाके कोशिश करेगा इन इन्वायरमेंट लाइक दिस जब आपको ये नहीं पता कि मैं कल आप एक बिजनेस बनाते हो hmm. आप मिलियंस इन्वेस्ट करते hmm. हो ऑन सम गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट राइट कि वन परसेंट पे अगर आप उसको एक साल में फोर्टी फाइव कर दोगे वन hmm. तो सेंस ही नहीं बनता obviously ना सरमद खुसट एक अपनी जिंदगी लगा के फिल्म बनाते हैं बिल्कुल आपका जो बोर्ड है आपका hmm. वो कहता है फिल्म ठीक है लगेगी hmm. एक बंदा सड़क पे आके कहता है नहीं लगेगी आपके तो नहीं लगेगी कोई पागल का बच्चा है पाकिस्तान में फिल्म स्टूडियो बनाएगा मैं फिल्म स्टूडियो का तो उधर का एक एग्जांपल दे रहा था कि तो उधर एक तो तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशड तो तो है एवरीथिंग एवरी सिंगल इंडस्ट्री हियर हम लाइक आई गिव यू दिस एग्जांपल क्यों कोई लगाए जब मुल्क के ये हालात हैं जब आप उसको दो साल 3 साल ऐसा आईएफसी का क्या पॉइंट है हुँ. कि हमारा मुल्क है हुँ. हमें पता है हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा इसीलिए मैं आर्मी चीफ आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तान का कानून नहीं लगेगा वो सेफ है बताओ यार आप अगर अमेरिका में अमेजोन पे एक दुकान खोलना चाहते हो आपके अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ पेंटागॉन के तू मुझे गारंटी लिख के दे इस मुल्क के हालात में टू सेक यार लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते कोई मैं अगर आपको सच बताऊं कोई पागल का बच्चा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा आप नहीं इन्वेस्ट करोगे आप कहते हो और लोग भाई तुम करोगे इन्वेस्ट हमारे पास पैसा पैसा मेरा पॉइंट इन्वेस्ट का नहीं था मेरा पॉइंट था गिविंग समथिंग बैक टू व्हाट टू व्हाट एवर टू व्हाट एवर यू आर डूइंग आपके बाद व्हाट लेगेसी होती क्या है इंसान की अगर चाहता हैं ना कि जो जनरली इंसान लेजेंड बनना चाहता है लेगेसी होती क्या है कि आपके जाने के बाद भी कुछ आपके नाम पर चल रहा है आपकी कोई चीज़ आप चला ना करो <laughs> 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 कुछ भी हो सकता What? है यार अब देखो फॉर एग्जाम्पल यूंग स्टैंड अपॉर अडेड नाउ मोर देन दैट मुझे बताओ मैं hmm. अकबर hmm. हमने 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 कितना किया इस को 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 कुत्तों की तरह करके करके कोई लोगों मिला मिला क्या हम दोनों को? आपकी इंटेंशन थी कि आपको इससे कुछ मिलना है नहीं 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 ना बड़ बड़ अच्छा भी नहीं लगा ना ना भी भी अच्छा लगा मतलब लाइक लोगों ने बुरा किया ना हमारे साथ देखो अच्छा बुरा हर जगह होगा बट ऐसा नहीं है सिर्फ बुरा ही हुआ है कितने लोग मैं जानता हूँ

शो इज ना के यार मतलब सही है बट आई स्टिल फील विद यू एंड अकबर यू बोथ बोथ हैव एंड गिवन अप ऑन दिस अभी भी मैं लिख के कह सकता हूँ तुम्हें आज कोई एक शरीर टैलेंटेड कोई बंदा मिलेगा ट्राइंग टू गेट इन एंड तुम यू तुम यू इनकाउंटर हिम और हर यू विल हेल्प देम आउट यू विल ट्राई टू गाइड देम यू विल ट्राई टू मेक श्योर

बहुत टाइम किया है ये और उस टाइम तो लिटरली कई ऐसे कॉमिक्स हैं जिन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया मैं आ जाओ अगले टाइम ओपन कर लो अब वो माशा देयर डूइंग रियली वेल सेल्स इज वेल तो वो वाला अब टाइम खत्म हो गया अब अगर मुझे कोई मैसेज करें ना आप मुझे गाइड कर दें मैं नहीं रिप्लाई करता यार बंदा क्या कितना टाइम लगा सकता है यार अब तो सिंपल ये है कि हम वी रीडायरेक्ट टू नतालियाज ओपन माइक सीन भाई आप जाए yeah, वहाँ पे ट्राई और थिंग आउट एंड देन देख लो भाई क्या करना है बट um, अगेन uh, और मैं आपको सच बताऊँ वो एक मैंने मुहावरा इन्वेंट किया वे नीकी कर में डाल <laughs> <laughs> पाकिस्तान में ये भी हिसाब है हुँ. पता है अभी कुछ न्यू कॉमिक्स हैं लाइक आई डोंट नो व्हेन यू स्टार्टेड कितने साल बाद पैसे बने फर्स्ट पेड गिग साल डेढ़ लगा था तो 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 मैं और अकबर तो आई थिंक अगर, लोग तो तो अगर हम स्पाइसी तो का हाँ। रोल मिल जाए तो हमें लगता था आज ईद तो हो गई हम तो हम अपने पैसे लगा के तो hmm. ये वो बट उससे बहुत आपने सीखा yeah. Yeah. अब नए लोगों को ये समझ नहीं आती राइट right? हाँ। लोग दो ओपन माइक करते हैं, जो शो मिल रहा जिस करना करो जिसके साथ कर रहा तो आप बनते हो करते रहो ताकि पहले अपना तो पता चले ना कि आपका सीन क्या आपका क्राफ्ट क्या आपकी वॉइस क्या आपका वॉट वर्क फॉर यू वॉट डजेंट वर्क फॉर यू मैंने ओवर डू कर लिया था वो एक्चुअली ये अकबर अकबर आ, आ, मैं कुछ अभी दिमाग में नाम फिल्टर कर रहा हूँ हाँ। <laughs> कि वो नाम मैं बट हाँ हुआ ये था कि आई वज परफॉर्मिंग विद एनी वन एंड एवरी वन बस यस समझ गए ना केले खा रहे थे बट उसमें यह था कि मैं अपना गेन ये देख रहा था आ, कि यार मुझे हर तरीके से अपने आप को टेस्ट करना है हाउ टू मेक एनी शो वर्क हाउ टू होस्ट हाउ टू हेडलाइन और नॉट हेडलाइन और जो कुछ भी है टाइम मैनेजमेंट भी <laughs> कुछ शोज में नहीं हुई थी अच्छी बिल्कुल बट उसमें यह हुआ था कि दिस वन शो

एंड टाइम था हाँ। उसपे जिस आदमी के नाम पे शो था वो आया स्टेज पे हाँ। तो जिसने सपोजिटली घंटा किया तो वो हम सब हम सबकी कंबाइंड वो थी हरकत <laughs> हरकत <laughs>

उस आदमी ने कोई 20-25 मिनट परफॉर्म किए तो उसके बाद मीर जाता है बोलता है सॉरी मैं अनाउंस करना भूल गया था इंसाफ का आज स्पेशल था <laughs> <laughs> फिर उसने अच्छा खासा रोस्ट किया कि यार शजाद यहाँ आए हुए हैं माशाला दस साल से कर रहे हैं वो आदमी खुद पांच मिनट में चला गया आपने आधा घंटा परफॉर्म कर लिया थिंग्स so, you know, कि क्या आपके लिए एक ऑनर है कि ओपन माइक में किसी ने आपको पांच मिनट दे दिए पीपल टेक इट फॉर ग्रांड पांच मिनट क्या होता है लाइट मिलना क्या होता है कोई वो उस वक्त मुझे दो साल भी नहीं हुए थे करते हुए स्टैंड अप जब ये सारी चीज़ें हुई थी और उसी टाइम पे ये एक और जो शो था वि आई वॉज होस्टिंग तो बाकी कमेडियंस हैड कम टू वॉच दैट शो और उस टाइम तक आई वॉज आई हैड अच्छे ताल्लुक विद पीपल बट आई जिगर्स विद अकबर और ये सब डियर नहीं थे डियर तो। नहीं थे हम डियर कैपेसिटी में mm. नहीं थे तो वो हुआ शो एंड um, उस शो के बाद वाकई चलो लेट्स हैंग आउट चाय वाय पे उस्मान भाई आ जाए चाय पे बैठते हैं ठीक है हम यहीं बदर पे बैठे थे इन्होंने बकायदा इंटरवेंशन की ताबिश उसदैर अकबर देर और मुझे अभी भी अकबर के वर्ड दिया यार उस्मान भाई आपके लिए मेरी मैसिव रिस्पेक्ट है आप बहुत अच्छा आदमी हो आप क्यों कर रहे हो यार आप अपना नाम खराब कर रहे हो मैंने कहा यार मैं तो बस आई वॉज जस्ट लुकिंग टू डू एज मच एज़ पॉसिबल सो देट कहता आपको नहीं कर लिया आपने जितना सबके लिए करना था यू डन इन फेवर आपको बोलना था नहीं यार टूर पे उसने होटल में ठहराया टूर <laughs> <तोर> पे उसके <laughs> बाद गया था टूर पे नहीं नहीं टूर पे मैं अपना रुका था अच्छा तो होटल में रही थी <laughs> अपना रुका था मैं <laughs> बिकॉज uh, बस हाँ <laughs> <laughs> I don't think actually इतना so, कोई I think it's good for you. हाँ. Exposure मिल गया. See at that time मेरा ये था कि मुझे अपना एक सोलो शो बनाना था घंटे का मटेरियल बनाना था उसके लिए मुझे हर तरीके के शोज़ करने की ज़रूरत थी उस वक्त की जरूरत थी बट अगर मैं वही चीज़ अभी तक करता जा रहा हूँ तो फिर मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ बिल्कुल तो अगेन वन थिंग्स कम यू सी इसमें क्या गेन है हर दफ़ा मॉनिटरी गेन नहीं होगा कभी कोई और गेन होगा तो और अगेन uh, उस टाइम पे स्टैंड वॉज ग्रोइंग Hmm. बहुत सारे लोग कर रहे थे और बहुत सारे को लग रहा रह था कि वो कर भी सकते हैं सो एवरी वन ट्राइंग आउट सम की जो रह गए uh, वो दे कैप्टेड उनके कहीं ना कहीं स्किल बढ़ता गया बट वर देो पीपल हु आई बिलीव मे बी वर नॉट एज सेल्फ रिफ्लेक्टिव हु कुड आइडेंटिफाई कि ओके दिस इज़ वेयर आई एम नॉट गोइंग दिस इज वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग और दिस इज वॉट नॉट वर्किंग फॉर मी टू सर्टन एक्सटेंट डिलूजनल भी हो जाते हैं आपके yeah. बुरा शो गया है और न्यूज लाइक like, नहीं यार यार क्राउड थोड़ा टफ था बट शो तो बहुत अच्छा गया क्राउड्स होते हैं टफ बट hmm. आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी जरूरी, जरूरी है।, मुझे है नियत अगर आपके सही हो ना hmm. आप निकल जाते हैं मतलब बहुत सारे नए कॉमिक्स आए हैं ठीक है जो, who want to be a stand -up वो फिल्टर आउट हो जाते हैं बड़ी yeah. आसानी से ठीक है वो शार्लटन आपको पता चल जाते हैं hmm. बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स हैं जो बड़ा बॉम्ब किया उन्होंने शुरू में राइट कि yeah. उनका स्टाइल ऐसा था जो मास नहीं था hmm. या वो डार्क जोक्स कर रहे थे या वो डैंक जोक्स कर रहे थे बट एज कॉमिक्स हमें पता था यार ये लोग टैलेंटेड मेरा पहला शो बहुत ज़बरदस्त गया hmm. और उस वक्त वही था कि लेट्स सी हाउ दिस मैंने इस तरह कभी शो नहीं किया है यूनिवर्सिटी में अपनी जो छोटी मोटी आई इन तो कॉमेडी सीन का एक शो था आई मैंने फ़हीम को मैंने मैसेज किया कि भाई ये वो छुटाई ट्राए कहा अपना मटेरियल लिखो लाओ अगर अच्छा लगा तो hmm. कर लेना और बहुत अच्छा किया ताबिश वॉज हेड लाइनिंग द शो आई नेवर नेवर हैड मेट हिम और फिर वही व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखा अच्छा ताबिश ने भी मैसेज किया हर तारीफ कर है हर तारीफ़ करा है फिल्ट यार ये तो हेड लाइन कर रहा था तो अगर आई मस्ट भी डूइंग समथिंग राइट दूसरे शो में मैंने कहा आर साहब तो दादा सीन ऑन आप तो कोई मसला ही नहीं कहाँ शो है टी टू एफ पे मैं सोच रहा हूँ फेमिनिज्म गे राइट्स अरे <laughs> कर लेंगे यार सन्नाटा जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सन्नाटा भाई फुल मतलब कुरान खानी वाली खामोशी होती है ना वो हुई हुई एक और शुरू में स्टार्ट अच्छा हुआ था बट जब इन चीज़ों पे आया तो वही मेच्योरिटी थी पता नहीं था आप चौड़े हो गए बहुत जल्दी के यार सब कर लेंगे तो हो जाएगा बट अल्लाह का शुक्र है

ज्यादती ना करो उस लेवल पर नहीं मुझे याद आ गया गिग में किसी तरह बंदा आया था फुल आया हम सोच रहा हूँ मैं भी कर लूँगा आप कर लें पता नहीं किसके थ्रू आया था क्या आए आया इस पर थैंक यू काफ़ी लोग मुझे बोलते थे करने का मैं फ़नी होऊंगा शायद इसलिए कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ औरतों का मसला क्या पता औरतों का मसला स्टार्टेड ऑफ इस तरीके से और पाँच फिन गुजरे उसके बाद Uh, मुझे लगता है आप लोग समझ नहीं रहे मैं कहना क्या <laughs> मैं मैं आपको अपना फेवरेट बताता हूँ एक बंदा इसी तरह शुरू में तो हम हमने वो आ, लंगर लगाया होता था जिसको आने आज आज तो आ ओपन कर लो चलो दो मिनट कर लेना जो भी होता है हम हमें बोल भी नहीं सकता वाह से आप वो चाटते नॉट एन इंसल्ट कॉम्पलोमेंट मुझे बहुत नो वन पीपल टेल मी यो दैट लेकर मैं तो छाटता हूं बड़े शौक से इसका <laughs> <laughs> पहला परफॉर्मेंस फर्स्ट फर्स्ट एवर भरावाडी सेलर और आज लाइक उतरो उतरो भारी है इसका जो भी है डिलूजनल लोग कुछ भी हो लेकिन कभी वापस नहीं आया वो कभी स्टैंडर्ड सीन में उसकी वापस शक्ल <laughs> मैं क्यों नहीं था इस शो पे यार ये तो बहुत लेजेंडरी हो गया यार <laughs> यम 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 इट्स ऑल्सो <laughs> 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 oh. के पता है कभी कभी लोगों को लगता है स्टैंड अप कॉमेडी मैं अगर hmm. चाय पे बैठा हुआ हाँ मेरे दोस्त हंस रहे हैं मैं स्टेज पे बोल बोलती हूँ फनी होगा एंड मोर ऑफ इन द नॉट लॉर्ड ऑफ कॉमिक्स कम देअर फर्स्ट सेट इज डीट क्योंकि बड़े टाइम से जो जोक्स yeah. दोस्तों में चल रहे होते हैं वो वैसे टेस्टेड होके आप कर देते हो hmm. आपको लगता है अब तो मुझे अब जाकिर खान किया है hmm. अब अभिषेक अब मनू किया है लाइक मैं नए कामे से कभी बैठता हूँ ना वो एक्चुअली कॉमेडी जो होती अच्छा यार गुड यार <laughs> वो समझा रहे होते हैं बहुत <laughs> लोग uh, मुश्किल सबसे है इसके दस साल तक आप कर रहे हो हम्म hmm. दस साल तक करने के साथ साथ आप आधे घंटा अपना बना लो ना मटेरियल ये ही करना हाँ बहुत बड़ी बात लो पाँच मिनट पे साल डेढ़ निकाल लेते हैं बट yeah. आप अगर उसके ऊपर मजीद साइड लगाए जा रहे हैं फिर मजीद लगाए जा रहे हैं, <coughs> तो फिर यू नॉट डूइंग एनी आर्ट तो यू बॉम्बिंग मैं आज भी ओपन माइक्स पे जाकर बॉम्ब कर, कर रहा होता हूँ mm. क्योंकि मुझे पता है कि यार बॉम्ब नहीं करोगे तो अच्छा मटीरियल कैसे तो निकलेगा तो यार मैं, आम, एक्सक्लूसिव एक चीज बता रहा हूँ आपको आई डोंट थिंक आई बीन डूइंग वेल इन स्टैंड अप फॉर द पास्ट 2 इयर्स देखने में तो आई एम डूइंग शोस आईthought your last performance was the best i've ever seen you जो मैं होस्ट कर रहा था Yes। I thought that was your best performance i've ever seen यार yeah, but if you look at that material। पुराना पुराना उसमें कुछ नया होगा हल्का पुल्का। पांच मिनट नया होगा मैक्सिमम बट ऑडियंस बचोदी भी अच्छी थी ऑडियंस बचोदी अच्छी थी हाँ बट कहने का मकसद द कॉन्टेंट दैट आईव बिन राइटिंग इन द पास्ट टू ईर्स आई थिंक सिंस प्रॉब्ली माई डैड्स डिमाइस आई हैव शॉर्ट ऑफ लॉस्ट माई मोजो बट आई एम स्टिल एट इट मैं लगा हुआ हूँ कि क्लिक करेगा अब वो घंटी बजेगी अब वो होगा कॉन्टेंट बना रहा हूँ अभी भी लाइक आईव सिंस द लास्ट टू ईयर्स आई हैव क्रिएटेड अबाउट फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स बिकॉज हमने तीन बड़े ओपन माइक स्पेल्स किए विद फिफ्टीन मिनट्स इच तो फोर्टी मिनट्स तो एटलीस्ट मेरे पास नया मटेरियल आया बट उस फोर्टी में से आई वुड से थर्टी मिनट्स का मटेरियल ऐसा है जिस पर लाइक mm, सही है बट वाओ नहीं है बट मी नोइंग दिस एंड ट्राइंग टू वर्क समथिंग ऑन इट ये चीज लोग नहीं कर रहे होते चालीस पैंतालीस मिनट बना लिया बहुत बेस्ट है भाई ये बेस्ट है ये बेस्ट है ना क्योंकि अब let's say, खाला का स्ट्रैप है hmm. वो दस साल से कम से कम डेढ़ सौ परफॉर्मेंस में हो चुका है कॉन्फिडेंस you know yes. you know yeah. कि ये चलेगा hmm. तो वो नेचुरली एलिवेट हो हैं। है ठीक hmm. है प्लस आपने सौ दफा परफॉर्म किया है दसवीं परफॉर्मेंस आपको हाँ पता चला होगा hmm. hmm. अच्छा ब्रा पे स्ट्रेपी तो वो नए मटीरियल को स्पेस देना बड़ा मुश्किल हो hmm. है। uh, realize, अभी कुछ क्लिप्स पोस्ट किए हैं एंड पीपल अभी पांच साल पुराना जॉक करा है like, आठ साल पहले किसी ने मेरी YouTube आई थिंक नाशपति वजह था ना लिखा था अबे तो ये कड़वा चार साल से ये जोक कर है किसी ने रिप्लाई किया सात साल से तो मैं देख रहा हूँ बट देखो एक कामयाब जोक की निशानी भी यही है तो ये कि आप वो दस साल क्या पंद्रह साल से भी आप कर रहे हो बट इफ इट्स रेजनेटिंग विद द ऑडियंस आप मज़ीद दस साल करो समीज गेट हर्ट रियल बैड कब से सुनते आ रहे थे, रहे थे का? वो ए, उसने मजीद कितने साल किया और ये तो हमने देखा हुआ एक वो है हुँ. ऐसा नहीं कि हमने कोई अंडरग्राउंड शो पे गए तो माँ उसके किया बट इट स्टिल केप्टेजोनेटिंग विद देंस तो इफ इट्स वर्किंग हाँ अगर ऑडियंस ने ओवरऑल बोल दिया कि अच्छा यू वॉन्ट समथिंग यू समझ में आता यार उसमें यह है ना कि देखो झाकिर खान एक जोक लिखता है हुँ. वो वर्ल्ड टूर भी करेगा वो नेशनल टूर भी करेगा इंडिया ख़ुद में कोई तीस चालीस शहर हैं जहाँ वो जाके स्टैंड अप कर सकता है वो तीन सौ शो करने के बाद अमेजोन को बीस करोड़ का भेज कर अपना अगला शो करेगा।, करेगा अब मेरा जोक कहने को तो आठ साल से मैं कर रहा हूँ बट क्या मैंने वो सौ दफ़ा भी किया होगा नॉट क्योंकि हमारे पास शोज ही नहीं है ना यार और उसके अलावा शहजाद आपकी पच्चीस करोड़ की आबादी में से लाख लोगों ने भी नहीं वो कॉन्टेंट देखा गया तो आपका जोक अभी भी नया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्यूअरशिप अगर आपको आज एक नेटफ्लिक्स एमेजोन या कोई स्पेशल करने को बोलता है आप अपने दस साल पुराने का मकसद नहीं, यार, मतलब के अगर नहीं है, कमांडर सेव गार्ड तो अब तो शाइन एयरवेज भी बंद हो चुकी है शाइन एयरवेज के अनाउंसमेंट करना भी ठीक है एक और थोड़ा सा मुझे जो अभी प्रॉब्लम कर hmm. रहा हूँ ना एंड आई लव योर ओपिनियन ऑन दिस इज देट आईसो रियलाइज आफ्टर पुटिंग जोक्स आप कि पाकिस्तान में जो आपको पैसा मिलता है ना hmm. वो मिलता है कॉर्पोरेट शोज hmm. तो आपकी एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो रही होती है कि यार मैं ऐसा मटीरियल बनाऊँ जो इन शोज पे चल जाए hmm. तो वो थोड़ा सेफ भी होता है hmm. वो थोड़ा कुकी कटर भी होता है अच्छा hmm. टेंडर पे hmm. लड़कियाँ ये मतलब टिंडर एक रिसकी जोक है, hmm. के लिए तो आपको उस लेवल बिल्कुल. में रहना होता है वनीला कॉमेडी करनी होती है बिल्कुल इंटरनेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है ठीक hmm. है वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं ग्रे एरिया में जाए ना फिर जाए ना तो थोड़ा एक डर्टी शोज करता हूँ दो महीने के अब पूरा ही मायना बट दे ऑल्सो लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप इंडियन कॉमेडी देखें अभिषेक अपयू देखें एक और है यार उसका नाम में भूल गया माइक माइक जिसके तीन बहुत अच्छे है थे एक लॉ एंड पनिशमेंट ये वो yeah, या सुमित आनंद का अगर देखो या कर जो भी है देर इज अ लॉर्ड ऑफ डेप्थ टू वर्ड देर टॉकिंग अबाउट राइट विच कारपोरेट शोज में आप नहीं कर सकते कॉरपोरेट hmm. शो में जाकर आप माँ बाप का ड्रामा और ये hmm. और वो वो आप नहीं कर सकते एंड आई थिंक डैट काइंड ऑफ डेप्थ like for instance you just mentioned your father's demise hmm. right i'm not saying you should hmm. but if you were to write something around that yeah yeah. that will never work in a corporate. yeah and but that I think would it will be resonate online yes that would resonate online. <laughs> that would resonate online that would resonate in live shows as well but in the sense that if it's done smartly hmm. there is something everyone loses someone there to them yeah. so it is it will be relatable but corporate shows mein, उनको उनको चुटकुले सुनने होते हैं बिल्कुल ठक 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 टाइम टाटा बिल्कुल। ये नहीं कि ओ क्या बात कह गया यार वाह वाह उससे मुझे लगता है मेरी राइटिंग बर्बाद हो गई है ये मुझे मिकाल हसन ने समझाया था मिकाल से मैंने यही पूछा मैंने बोला यार मतलब अगर फराज अनवर बजा रहा है बट वो नूरी के साथ भी बजा रहे तो उसमें मसला क्या है मतलब आपने दुकान तो चलानी है ना आप जिंगल्स भी बना रहे हो फिर आप अपना एंड मिकाल सर नहीं वो आप दोनों साथ नहीं कर सकते अच्छा क्या मतलब दोनों साथ नहीं कर सकते आपने अभी एक जिंगल बना लिया फिर आपने अपना बना hmm. लिया इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग अगर आप वो जिंगल म्यूजिक की तरफ चले गए hmm. उसके बाद वापस आके संपूर्ण नहीं बनेगा आपसे ah. तो स्टैंड अप का भी वही है कि आई फील लाइक मैं इतने कॉर्पोरेट शोज सिर्फ घर चला है मेरा आ, पिछले कुछ साल hmm. कि मेरी राइटिंग अब वो हो गई है पास्ट ईयर आई विन ऑल्सो वर्किंग ऑन लाइक बट आई फील ओपन माइक फॉर्मेट पर नहीं चलेगा नहीं चले। like a, ये शो है hmm. ये स्पेसिफिकली आप देखने आ रहे हैं इसमें मैं आपको हर पाँच मिनट नहीं हंसाऊंगा यार वो तब चलेगा जब आप नेशन वाइड परफॉर्म कर चुके हैं इन द सेंस कि आप करते ही जा रहे हैं हाउस होल्ड डेम फॉर एग्जाम्पल नाउ इफिश उसका नाम इज इनफ

आपको ना साथ लेके चल रहा है पूरा सफर पे लेके जा रहा है वो चीज तब होती है जब लोग बस आपको सुनने आ रहे अभी यहाँ पे बंदा स्टैंड है के के लिए सुनने के लिए सुनने नहीं आ रहा है। सिर्फ हंसने के लिए एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए उसका जो फनी पार्ट है वो मैं मटेरियल ट्राई कर रहा हूँ उसका सीरियस पार्ट मैं नहीं ट्राई कर रहा वो जब मैं सोलो शो करूंगा तभी आप सुनेंगे पहली हाँ। कुछ वो 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 ओपन माइक पे जाके मैं करना शुरू जो आपका वो आपका सीरियस पार्ट है, है। है, ठीक तो उसको आप सही टाइम ही निकालो। टेस्ट नहीं हो सकता। that's the problem. You Doing, मतलब अभी जैसे मैं देखता हूँ कि आपके भी लाइव शोज की फ्रीक्वेंसी कम हुई हुई है क्यों बढ़ गई है बीच में ज़्यादा कम हो गई तो मतलब, बढ़ी मतलब, है, मतलब, sure. sure, uh, sure, sure. हुई बट आई एम टॉकिंग अबाउट वुड से आप पहले एक बचौदा ही लिखो घंटा इसको साइड पे बनाते रहो इसको hmm. साइड पे बनाते रहो

सो इट्स 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 डिफिकल्ट हाँ तो उस, उसी वजह से मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक घंटा आपने अपना बच्चों तैयार कर लिया अब आप उसमें शुरू में दो दो मिनट का सीरियस का एक इंजेक्शन डालू दस मिनट के बाद में बिल्कुल अलग हो जाती है ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं हाँ, है ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे सो so दैट आपको फिर वो जगह मिल जाएगी कि ओ इस पॉइंट पे यहाँ सीरियस नहीं इतना चल रहा था मैं आठ मिनट बाद इनको पाँच मिनट तक ले जा सकता हूं, बिकॉज यहाँ पहले 8 मिनट पे देव हैड देर लाव्स एंड नाउ दे आर रेडी टू आई करके ही पता चलेगा. आई जेनवनली वॉन्ट टू बी ओके विथ कि अच्छा नहीं आपको अगर लाफ मिल रहा मैं देना भी नहीं चाह रहा मैं कोशिश भी नहीं कर रहा See so, you're controlling the mood of the crowd. Yes, yes. That's yeah. what you want. And in terms of tickets, I do think, yar, show tickets will be big. If I announce like a new show, टे बेचना इतना मसला होगा हमारी कौन सी कुछ हजार की ऑडियंस होती है अगर आप पी एस तीन दिन कर रहे हो मैंने जब मैंने किया था सोलह में दो हजार सोलह की बात है तब मैंने थोड़ा पुश करके नए कॉमिक्स के साथ सारे हमने छी एस सी सी बेचा था यार छ रातें पी एस सी सी उस टाइम जब हमारा किसी का इतना नाम नहीं था पूरी स्टैंड कम्युनिटी या हमने बहुत उसको पुश yeah. किया था yeah. तो वो एक मार्केटिंग पुश की वजह से प्रॉपर टिकट रेड कार्पेट सब कुछ शशके वशके करके hmm. तो वो एक बड़ा बूस्ट मिला था स्टैंड yeah. कम्युनिटी को hmm. उस टाइम पर. पर अगर तब हमने छेराते दो सौ दो सौ दो सौ बारह भी होंगे हजार yeah. कर ली थी तो अगर उसी पुश के साथ मैं करूं तो तीन रातें छह सौ टिकट पीएससी टाइप बेचना मुश्किल नहीं होगा कई नहीं, 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 so, हो yes, yes. और 12 hmm. मिनट के मार्क पे मैंने अब इनको इस साइड पे लेके जाना सत्रहवे मिनट पे मैंने वापस लाया यही स्पेस तो नहीं मिलती आपको हाँ ये अब ये अगर मैं नया शो लिखू और वो मैं फोर थ्री टू पे बीस दफा कर दू बीस दफ़ा तो करना पड़ेगा ना अंडरस्टैंड बिल्कुल ना आपकी ऑडियंस ही हाँ, वही है अल्लाह <laughs> को सही सलामत खुश आबाद रखे क्योंकि प्लेसन अफोर्ड टू बॉम रिक्रिएट एन फिगर आउट ओपन माइंड ही वो जगह है yeah. और सिर्फ एक ही हो रहा है

यार ये वो दिन कितना आपको लाइक कोविड like, ने बर्बाद कर दिया कोविड ने एक वो ब्रेक मार दिया इस पूरी चीज़ पे आ, अभी भी बीच में एक आ जाता है ऐसा कभी कभार बट यू डिड दैट स्टार्टअप का शो देन यू केम टू दैट ओपन माइक स्टार्टअप स्टार्टअप के शो के बाद नहीं ओपन माइक पे आए थे लास्ट टाइम हाँ मुझे याद पड़ा याद पड़ा लास्ट टाइम वी मेट यू जस्ट डन सम

मतलब और प्रेस्पायर हो चुके हम यार वो इंस्पायरिंग तो नहीं हाँ, है हम दोनों यार देखो ना शहजाद वो यही है ना कि अगर ये बंदा डिजिटल पे लाख फॉलोअर नहीं रख रहा है तो ये एमेचोर है <laughs> तो That's the तो मेरे दस साल से हैं दोस्त तो <laughs> हाँ मेट्रिक <वो, laughs> यही है आ, मुझे कई टीवी प्रोजेक्ट्स पे इस बात पे बोल दिया था कि यार आप यू परफेक्ट फॉर द रोल यू डोंट हैव इनफ फॉलोअर्स सो वी कॉन्ट हायर यू मैंने कहा तो

जो भी वाज हाँ, वाज हाउस होल्ड नेम नहीं है और लीड नहीं तो है तो इन योर कैटेगरी लाइक लाइक डू यू सी इट एज अच्छा मैं इतने टाइम करूंगा अब तो बहुत टाइम हो गया ना एक्टिंग तो येट स्टार्टेड बिफोर स्टैंड अप ही या 2015 9 इयर्स 10 साल होने वाले हाँ, तो उस तरह का तो हमारा सेटअप नहीं है कि आप साइड का कर रोल करोगे फिर आप मेहनत करोगे फिर आप बिल्ड अप करोगे ये करोगे बिल्कुल तो यू आर समी हु बी द बैड कपासी का बहुत अच्छा जोक है अगर है उस्मान भाई के ऊपर बायोपिक बनेगी तो ये उसमें भी अपने बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रहे <laughs> 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 मेरे रोस्ट पे भी कपासी ने बड़ा अच्छा जोक किया था आई वॉन्ट टू थैंक यू शहजाद इंट्रोड्यूस मी टू नो ही थ्रू शहजाद दैट आई लर्न एवरी थिंग अबाउट कॉमेडी बिकॉज इट्स ओनली थ्रू शहजाद दैट ही मेट मी थ्रू अकबर हू टॉट मी एवरी

<laughs> तो, एक कॉमिक के बारे में मेरा ये भी जोक था कि इवन दो hmm. इज ऑन स्टेज ही स्टिल द द वन हु मोस्ट तो वो बहुत बहुत एपिक शो था बहुत मजा वी वी हैड बॉल ऑफ़ टाइम वी हैड टाइम पता नहीं हम क्या बात कर रहे थे और कहाँ से बात कहाँ निकल गई बट हाँ यू वर टॉकिंग अबाउट द सपोर्टिंग रोल एक्टिंग वाला अच्छा मुझे इस पर ऑब्वियसली आपके चाहने वाले आपके घर वाले आपके हुँ. दोस्त वगैरह वो सब ये यही बोलते हैं कि यार कब तक क्या सीन है आर यू ओके आर यू हैप्पी विद दिस सो मेरा ये यार कि मुझसे ना उठाए जाते हैं ना मैं शॉर्टकट्स ढूंढता हूँ वन आई रियलाइज़ माई पैशन फॉर एक्टिंग आई वज़ टीचिंग एट दैट टाइम एंड आज लाइक यार

तो खैर मैंने कहा कि यार मेरा पैशन ये मुझे जिंदगी भर ये करना है बट अभी हालात ऐसे हैं कि कांट लीव टीचिंग तो और मुझे भी नहीं लगता कि मेरी अभी उस लेवल पे स्किल है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ एक्टिंग में uh, तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ थिएटर एंड द गोल ऑल अ लॉन्ग वॉज टू वर्क ऑन द क्राफ्ट कीप वर्किंग ऑन द क्राफ्ट बिकॉज आई आई वॉज इन लव विद द क्राफ्ट आई वॉन्ट टू एक्ट राधर बी अ स्टार और वो विच ऑबियसली डज

और उसमें जो मार्जिन जो आ, टाइम और कास्ट क्रू अप्रोच वो मुझे मिली ही नहीं उसके बाद तो मुझे शुरू में इतना अच्छी चीज़ मिल गई थी तो वाज लाइक like, वाह फायर ज़बरदस्त ये तो ज़बरदस्त काम है और वो फिर उसी के साथ दूसरा एक प्रोजेक्ट थोड़ी देर मतलब दो महीने हो गए थे शूट पे न प्रोजेक्ट के बिलोंग जिसमें मेरा ज़्यादा बड़ा रोल था पैरेलल लीड था और मेरा कॉन्फिडेंस यूँ डाइव कर रहा था उसमें बिकॉज उसमें लाइक द डायरेक्टर वॉज लाइक के मुझे स्टैटिक एक्टिंग चाहिए आप थिएटर एक्टिंग कर रहे हो ये नहीं आप थिएटर के हो बाकी स्टैटिक एक्टिंग कर स्टैटिक एक्टिंग क्या मैं तो बस जा रहा था फिर मैंने सोचा रुक जाऊँ कहते हैं ये सब स्टिल रखो तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग यू स्ट्रगल विद आई वर्क विद सम अमेजिंग डरेक्टर्स और जहाँ जहाँ वो मार्जिन मिला जो ये पहला ड्रामा था इसमें जो डायरेक्टर हैं वो सईद अली रजा उसामा उनका नाम है एंड uh, उनकी एक थोड़ी सी बैड रेप थी बिफोर दिस प्रोजेक्ट लाइक पीपल वुड बी लाइक mm. एनी डे बिग प्रोजेक्ट्स तो होता है गुस्सा बहुत करते हैं मूड स्विंग्स हैं ये इशू वो इशू आई वट टू दिस शूट आई लाइक परफेक्टली फाइन हाँ ठीक है ही गेट्स बेस्ट ऑफ इफ सम नॉट डूइंग द जॉब राइट जॉब फॉर ग्रांटेड मेरे साथ ही है मेरे लिए ये काफ़ी है मुझे वो मार्जिन दे रहा है करने के लिए मैं कर रहा हूँ मरीना खान अमेजिंग एक्टर्स डायरेक्टर जबरदस्त डायरेक्टर फारूक रिंद कमाल डायरेक्टर ये वो डायरेक्टर्स है जो आपको देते हैं इतना सभी आपके दो लाइन भी होंगी ना बोलेंगे आप खेलो आप क्या क्या कर सकते हो शो मी वॉट यू कैन डू हाउ अबाउट यू डू समथिंग लाइक दिस हाउ अबाउट यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस दिस प्रोजेक्ट आई आईड मरीना खान आई वॉज प्लेइंग अ लालची दमाद इन दैट नाइन्टीज का दिखाया था टाइम और जो कैरेक्टर था आई वॉज लाइक ओके आई मेक श्योर दैट माई कैरेक्टर इज द लीस्ट अट्रैक्टिव घेना है उलझन वो देख के इसको नो बडी एल्स डू दैट तो इसके लिए उन्होंने आपके पूरा परफेक्ट है हाँ मतलब नहीं नहीं मैंने अपने आपको मूछे बीच की मांग बनाया अपने आपको गंद ऑफ लुकिंग कपड़े फिर जब बुढ़ापे वाला टाइम आया उसमें प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं हम नाइन्टीज़ के बाद तो बुढ़ापे वाला टाइम आया तो मैंने बाल वाइट कर ये सारी चीज़ें की स्टिल लुकिंग अनट्रैक्टिव तो मुझे अपने करीबी लोगों से ये क्रिटिसिज्म मिला कि यार उसमें तो गोहर रशीद भी तुम्हारी तरह बुढा बना था उसने सिर्फ चश्मे पहना उसने अपने बाल सफ़ेद नहीं किया वो फिर भी सही लग रहा था तुमने क्यों अपने आप को इतना अनअट्रैक्टिव कर दिया मैं क्यों स्टाइल में घूमूँ जब मैं एक कारोबारी लालची दामाद हूँ जी हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं राइट लाइक like मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि आप बाल क्यों नहीं बनाते पर बाल देखने के लिए थोड़ी को पॉडकास्ट देख रहा है यार मतलब जो लोग चाहते हैं कि हाँ. वो एज स्टार्स आएँ तो फिर उन्होंने मेकअप डिपार्टमेंट भी रखे हुए हैं yes. तो वो दे मेक श्योर कि मैं जब बैठा हूँ तो मेरे बालों की लेंथ यहाँ तक हो नहीं है तो मेरा सेटअप देख लिया आज बेसिक ईजी चीज़ें एंड देन देर जब शूट नहीं हो रही तब ज़्यादा पोज और आ, न, 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 ये ऐसे घूम रहा है भाई हज़ार मसले होते हाँ। हैं मैं भी एक ड्रामा कर रहा था उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं आप साइन करने के बाद नहीं अच्छा आप वो इन ये कॉन्ट्रोवर्शल है उसका क्या ताल्लुक है यू नो पीपल अज्यूम के आप कुछ अगर पोलिटिकली बात कर रहे हैं तो आप सस्ती शहरत चाह रहे हैं दे डोंट रियलाइज के नहीं ये नेगेटिव है द वे दे वॉन्ट द ड्रामा इंडस्ट्री टू बी लाइक कुछ ना बोलो कुछ ना करो चुपचाप वनीला हर चीज़ में हाँ हाँ करो आपका करियर पाकिस्तान माशाल्लाह माशा बड़ी आसानी से बन जाएगा या या फिर ऑन दी अदर हैंड कुछ करो करते ही जाओ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आप देते जाओ तो उसमें भी वो दो अप्रोचेस हैं जो चल रही हैं लेट्स रन थ्रू दिस क्वेश्चंस राइट भागो बुखारी से <laughs> हा, हाँ मुझे यहाँ छोड़ दो हाँ के लिए क्वेश्चंस

Uh, जब परफॉर्म कर दें तब मैंने आई अंडरस्टूड कि आपने कैसे माहौल को कंट्रोल करके स्टेइंग इन द मोमेंट बेसिक बात से भी हंसी अक करनी है उस्मान भाई आप शादी क्यों नहीं करते ये हम दोनों के लिए सवाल है और दोनों इसका जवाब हाँ, देंगे नहीं नहीं मैं देता हूँ जो मुझे समझ में आती है उसको मैं समझ में नहीं आता जो मुझे समझ में नहीं आती उसको मैं समझ में आ रहा होता हूँ ये आपने अक्षय कुमार को जरा सैनिटाइज कर दिया है कि अच्छा उसने क्या बोला था Uh, उसने क्या बोला था उसने बोला था भाई जिसको हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहती और जो हमें चाहती है उसको कौन चाहता है अवीश मैथ्यू डेज अ शो कॉल जर्नी ऑफ अ जोक वेरी स्टैंड ऑफ कॉमिक्स एंड दे डी कंस्ट्रक्ट द सेट जोक बाई जोक आई वुड लव फॉर यू टू कैज डू दैट इज वेल आई लव दैट शो द प्रॉब्लम इज उनके

एमच्योर uh, स्टेट पे है अभी इन्फिनसी पे है ये स्टैंडअप कॉमेडी इंडस्ट्री बनेगी टाइम लगेगा जब हर शहर से ओपन माइक शुरू होंगे कमेडींस निकलेंगे तो बन जाएगा बस मसला ये सारा है कि ये ग्लैमर वाली इंडस्ट्री नहीं है स्टैंड अप hmm. और लोगों को पहले स्टार बनना होता है फिर काम करना होता है तो स्टैंड इज़ वन प्रोफेशन जहाँ आप स्टार बनने आ रहे तो गलत yeah. है स्टैंड कमेडी इन कमेडियन कॉपोरेट जोक्स अबाउट देर ओन फैमिली हाउ डू देर फैमिली मेम्बर्स टिपिकली रिएक्ट हमारे जिस तरह के शोज होते हैं हमारी फैमिली नहीं आती इवन दोन बहन और बहनोंगुलरली भेन तो हमारे, हमारे, हमारे हर शो पे आते हैं हमारे पेरेंट्स भी आए हैं शुरू में आ, और वो लाइक इन्जॉय करते थे आ, अबू भी करते थे बट अबू का ना वो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होता था कि वो सीरियस लुकिंग होते थे एंड पहली दफ़ा आए थे चौथा शो था मेरा फ्रंट रोम में बैठे हुए और जे स्टार्ट कर रहा है एंड नो बडी अमंग द कमेडियंस नो के मेरे पेरेंट्स हैं hmm. और माई डैड वज अ पायलट तो जे डी का सेट भी कुछ इसी तरह का था और फ्रंट रोम में हम अबा बैठे हैं अब्बा सीरियस मोड में था जे डी दूसरी तरह का जहाज़ चला रहा था <laughs> तो उसका वो बेटता कि मुझे अपने पड़ोसी के घर पर जा बम गिराना हुआ तो उसने अब्बू पे हो गया क्या हो गया अंकल आंटी ने डांटा है आपको क्या ऐसे वो उसको पता ही नहीं था कि मेरी ही है तो कोई को लेने की जरूरत नहीं होती तो मैंने जब अब्बा के सामने अब्बा पे कंटेंट किया तो जाते होता हो था जनरलीस इट यार ये मैंने एक कोई शो था आई थिंक बेस रॉक कैफे में था कहा था कि जहाँ ऑडियंस थोड़ी सी फंसी हुई थी नहीं उस तरह से इन्जॉय कर रही थी एंड एक दो परफॉर्मेंस हो चुकी थी शायद मेरी भी हो चुकी थी तुम्हें मज़ा नहीं आता है सो यू वेंट इन देर एंड यू स्पोक अबाउट दैट थिंग यू एड्रेस ग एलिफेंट इन द रूम कि ये मसला क्या चल रहा है दीज ड हुआ क्या इशू क्या है uh, अमार ने भी कभी डिस्ट्रिक्ट में हमने एक ओपन माइक किया था वहाँ पर भी कुछ इस तरह का इशू था तो उसने बड़े मज़े से बोला उसने कहा कहावत होती ना एलिफेंट इन द रूम

थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था आंटी के साथ hmm. फिर आंटी ने टैक्टी चेंज कर दी फिर आई थिंक अकबर वेंट बैक आंटी लाइक मैंने ऐसा क्या कहा था ah. मैं तो इन्जॉय करने आई थी ah. आप मतलब लाइव फीडबैक ah. दे रही ah. थी थ्रू आउट द शो तो वो इट्स इट्स एवरी ऑडियंस इज ऑडियंस को पता भी नहीं होता है कि करना क्या है अभी इट्स yeah. नॉट यही एक नुकसान है व्हेन व्हेन इट टर्न्स इनटू अ डायलॉग लाइक यू आर फेलिंग या। और पॉडकास्ट होस्ट की तरह सवाल पूछो कितना कमा लेते हो महीने का कितना व्हाट मेजर डिफरेंसेस ही फील्स इस प्रोमिनेंट नाउ डेज कंपेयर टू द शोज दैट वर इन द पास्ट स्टेज स्टेज शोज इन फ्रॉम द पास्ट वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज है वो अलग टाइम वो एक अलग टाइम था ऑब्वियसली आर्ट इवॉल्व करता है عوام इवॉल्व करती है

तो वो पूरे शो में वो बैठे हुए थे hmm. और दिख रहा था कि उनका जुमला रेडी है बट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ देर से रिलीज हो रहा है बट उस सब मुश्किल के बावजूद ही वॉज द मोस्ट फ़नी गाय ऑन स्टेज एंड दिस शो हैड एवरी वन शकील सिद्दीकी वज देयर रऊफ लाला वोज देयर ये सारे लोग थे एंड स्टिल ही वॉज द फनीएस्ट गाय ऑफ देयर तो hmm. आई फील स्टैंड पाकिस्तान में कभी बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि लोग इस लेवल पे हैं कि जो मास इंटरटेनमेंट है हम सब ना जिस तरह तो पावर इंजर्स मिल जाते हैं अगर हम टॉप टेन स्टैंड कमेडियंस ले लें हम सब पावर मिलाकर लेट्स एक शो जिसमें हर टॉप स्टैंड नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ एक ही आदमी जो बेस्ट परफॉर्मर है वो जाके हर किसी का बेस्ट सेट भी कर देना आप अमानुल्ला अमानत चंद से नहीं कंपेयर कर सकेंगे वो जो एक मास एंटरटेनमेंट का लेवल है वो आई थिंक हम एज स्टैंड अप कमेडियन हमारी उसमें आप नहीं पहुंच सकते यार देखें वो एक तो स्टाइल ऑफ कॉमेडी ही डिफरेंट है टू व्हाट वी डू आर इज टुवर्ड्स मोर सोशल कॉमेंट्री देर इज मोर टुवर्ड्स जुकतबाजी बट एट द सेम टाइम वॉट देव बिन डूइंग हैज डेकेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफकोर्स

He's all he's there yeah. he he everyone everyone knows him everyone loves him loves yeah. and he is arguably the best from us तो yeah. change आ रहा है slow आ रहा है but आ रहा है हम अभी एक समझो जैसे वो एक underground music वाली एक revolution थी फिर नूरी उठ गया ए पी उठ गया और उठ गया वो बूम आया और सब आया पर देखो बूम नहीं आया ना part अब देखो आके चला गया वो बूम इस वक्त जो ये ताबिज स्टाइल फॉर्मेट शो है ताबिज इज द बेस्ट जॉब राइट बिकॉज द अदर पीपल आर हायरिंग सेलिब्रिटीज टू डू दैट शो राइट यस या तो ये होता कि अच्छा ताबिश को जियो ने उठाया hmm. तो अब ए उस्मान को उठा लेगी hmm. अब समा अकबर को उठा hmm. लेगी ठीक है वो नहीं हुआ पीपल थॉट कि अच्छा शो का फॉर्मेट अच्छा है hmm. ताबिश की जगह कोई नॉन फेस ले लो कोई एक्टर ले लो कोई म्यूजिशन ले लोस नॉट्सिंग बट देन दार्डवे एंड सो डी इंडस्ट्री वो नहीं चल रहे अभी भी फौरन नहीं हायर करेंगे किसी स्टैंड अप कामिक को दो तीन दफा फेल करेंगे एंड चौथी दफा जब उनको फिर से यही चीज़ करनी होगी या तो ये आइडिया ही ड्रॉप कर देंगे चौथी पाँचवी दफ़ा देल बी लाइक स्क्रू इट लेट्स गेट अ स्टैंड कॉमिक I don't think happen. I just like, I don't, मैं थोड़ा होपलेस हो गया. अपना 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 करके आपको अपना ब्रांड बनाना। हाँ, आपको करना कोई आपको ब्रांड पाकिस्तान में प्रोमोटर्स नहीं है पाकिस्तान में जेन्यन प्रोड्यूसर्स नहीं है कोई नहीं है जो भी या तो एक एक्टर प्रोड्यूसर बन जाएगा या एक बंदा जिसके पास बहुत पैसा है बट विजन नहीं है कि मैंने ये मुझे टैलेंट नजर आ गया इसको मैं स्टार बनाऊंगा नहीं तो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया कामिल अपने बाप की गाड़ी लेकर आए हुए लास्ट किसी ने पूछा है बचपन में हंसते थे बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं थी बट यू यू परफॉर्म कॉमेडी ऑन नॉट हाउ पर्सन लुक्स बट व्हाट अ पर्सन डज आपने उनके एक्शंस के ऊपर कॉमेडी करनी है अगर करनी है तो बट वो कैसा दिख रहा है क्या है

अल्लाह आपको तरक्की मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और अभी जो आप मुझे ऑफलाइन बता रहे थे कि शफात के साथ काम करके आपको पता चला एक कमेडियन के साथ किस तरह काम करने का <laughs> वो बात ऑन अमेजिंग है आई लव शफात लव शफात यार, शफात यार। like, क्या पॉजिटिव बंदा यार हर वक्त एक एनर्जी लेके लाइक आई थिंक आई एम सरप्राइज कि उनको इतना टाइम लगा है किसी को

I'm, I'm a हाँ और आई एम वेरी लक्की के इस शो में बहुत एक तो अली अब्दुल्ला साथ में है तो है, अली भाई तो हार्ट है वो तो जान है मेरी uh, फिर रोमान एज अ क्रिकेटर अमेजिंग जवेरिया खान फैंटास्टिक तो वो एक ड्रीम टीम ऑटोमेटिकली बन गई एंड uh, वो कहते ना कि यू निकल जाते कई दफा हमारे एक से, एक, से, एक सेगमेंट ही नहीं हम कर पाते बिकॉज वी जस्ट हैविंग सो मच फन एवरी डे फखर है हमारे मुल्क का उस्मान मजर फखर आप पे करते मजर फखर अरे क्या बात कर तौबा 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 यही 10 10 साल पुराने जोक हैं जिसके लिए लोग मुझे कहते हैं ये मैंने एक दफा अपने सोलो का भी नाम रख लिया था ऐसी डर्टी शो यू मजर फखर ओके मैन इससे पहले के कामिल आ, अपनी बाप की गाड़ी डुबा दे <laughs> ये होता है जब आप बाप की गाड़ी लेकर आते हो आपको टेंशन नहीं रहती है थैंक यू सो मच थैंक बाय